नागपुर पुलिस ने नागपुर की सीमा पर जैविक खाद से लदे ट्रक से 1000 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर नागपुर पुलिस के मादक द्रव्य निरोधक दस्ते ने बुधवार नागपुर के कापसी इलाके में यह अभियान चलाया। आपको बता दें कि उड़ीसा से जैविक खाद ले जा रहे ट्रक ने सैकड़ों बोरी जैविक खाद के बीच करीब 50 बोरी गांजा छुपाई गई थी। पुलिस को इस संबंध में गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने विशेष प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से ट्रक की जांच की। तो उसमें 1000 किलो से ज्यादा का गांजा पाया गया। इस मामले में नागपुर पुलिस की सूचना पर इन दोनों को बीड़ में हिरासत लिया गया। ट्रक में लदा जैविक खाद शिरडी भेजा जा रहा था, इसलिए पुलिस ने शिरडी में भी इसकी जांच करने की जानकारी दी। इस बीच पूरा 1000 किलो का गांजा बीड़ में इस्तेमाल होने वाला था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने बीड़ में भी पुलिस बंदोबस्त तगड़ा कर दिया। हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इनपुट्स आए थे कि कुछ एक गांजे की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट ओडिशा के भाग से आ रही है, जो नागपुर क्रॉस होने वाली है। उस गोपनीय इनपुट के द्वारा हमने क्राइम ब्रांच एनडीपीएस पथक की स्पेशल टीम लगाई थी। हमारी जो न्यूली इंडक्टेड कैनाइन है इस स्क्वाड में, उसकी मदद ली गई थी और इसके द्वारा आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में एक ट्रक पकड़ी गई, जिसमें अभी तक की जो हमारी वेट हुई है 1000 केजी से ऊपर की यह गांजा की कंसाइनमेंट पकड़ी गई है। इसमें दो आरोपी जो ट्रक में थे, ड्राइवर और क्लीनर, वो ताबे में हैं। इसके अलावा जो अभी तक प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में जो रिसीवर था, जो बीड जिला में ये माल जा रहा था ऐसा अभी तक के तपास में दिखा है, वहाँ पे जो रिसीवर्स थे उनको बीड पुलिस की मदद से ताबे में ली गई है। ये पूरी जैसा मैंने पहले ऑपरेशन नैरको फ्लश आउट के का जब जिस समय मैंने घोषणा किया था, उस समय मैंने बताया था कि रेल रूट, रोड रूट और कुरियर के माध्यम से नागपुर ओरिजिन डेस्टिनेशन या ट्रांजिट रूट हो रहा है इस प्रकार के बैंड आइटम्स का, और उसके लिए पुलिस सख्ती से कार्रवाई करने वाली है। उस ऑपरेशन फ्लश आउट मुहिम के अंतर्गत ये गोपनीय माहिती संकलित की गई थी और ये कार्रवाई की गई है। इसमें पूरी जो रैकेट है, जो सप्लायर है, ट्रांसपोर्टर हैं और रिसीवर्स हैं और फाइनल कंज्यूमर्स हैं, ये पूरी रैकेट को अनअर्थ करने के लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई है। अब इस मामले में मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में भेजने की जानकारी भी पुलिस को मिली थी। अब पुलिस ने भी इसकी जांच करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले में और भी कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एनबीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।